नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। फतेहपुर पत्रकार दिलीप सैनी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली। अभियुक्त अनुराग तिवारी के पैर में लगी गोली गंभीर रूप से घायल। हत्या में प्रयुक्त चाकू, तमंचा, कारतूस और कार बरामद। मालवा थाना क्षेत्र के कैची मोड़ वहीदापुर पास अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इंटेलिजेंस विंग टीम और थाना मालवा टीम द्वारा संयुक्त रूप से कैची मोड़ के पास बृहद गांव वहीदापुर में संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। उसी समय रेनॉल्ट क्विड कार से दो व्यक्ति सामने से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा करने पर वे वापस मुड़ने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके उन्हें रोका गया तो गाड़ी में बैठे व्यक्ति के इशारा करने पर गाड़ी चला रहे व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर लक्ष्य करके फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग पुलिस और टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी। पूछताछ में उसका नाम अनुराग तिवारी पुत्र स्वर्गीय बद्रीनंद तिवारी निवासी ग्राम सरसई थाना खागा वर्तमान पता रामगंज पट्टा तालाब बताया, जिसे इलाज नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी में बैठे दूसरे व्यक्ति आलोक तिवारी उर्फ पप्पू को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1 अदद 315 वोट, 2 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस, 1 चाकू, 1 रेनॉल्ट क्विड कार और 42 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये कोतवाली नगर में 30/31 की रात में हुई पत्रकार की हत्या में वांछित अभियुक्त हैं। इस प्रकार हमारे इंटेलिजेंस विंग व थाना मालवा टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है।